आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा फिट टू पेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डायग्राम है। यहाँ पे n इक्वल टू 5 दिया हुआ है और यहाँ पे n इक्वल टू 6 दिया हुआ है। जब आप इस डायग्राम को फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेगी वो यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। जैसे ये अंदर की तरफ एक कर्व जा रहा है फिर बाहर की तरफ इस तरीके से, तो बाहर वाला तो आप एक बार को बना लेंगे लेकिन अंदर वाले कर्व को इस तरीके से बनाना, फिर उसके बाद ये सारे सिमेट्रिकल ड्रॉ करना, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे आपको क्रिएट करना है। और ठीक इसी तरीके से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बताऊँगा। और ये डायग्राम इतनी सिंपल है आप खुद कहेंगे कि ये डायग्राम मेकिंग बहुत ईजी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्निक फॉलो करेंगे। और इस डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि इस डायग्राम में कोई भी किसी भी टाइप की डायमेंशन और एंगल नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जो भी डायमेंशन और एंगल मेंशन करूँगा बस आपको रिलेट करना है। तो मैं F7 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऑल्ट एस की के साथ यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर देता हूँ 1 टैब 1। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको समझाने के लिए इसकी आउटलाइन बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। F5 प्रेस करूँगा, यहाँ हेयर लाइन में मैं टाइप कर देता हूँ 1.5। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे भी F12 की के साथ 1.5 मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले आर्क के लिए आप क्या करेंगे, मैं F7 प्रेस करता हूँ, सिंपली इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, ऑल्ट एस की का यूज़ करूँगा 0.335 टैब 0.335। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। बस आपको रिलेट करना है। तो इस सर्कल के सेंटर में ये जो सेंटर हेड दिया हुआ इसको मैं इस तरीके से पकड़ के इस सर्कल के सेंटर में ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है यहाँ पे सर्कल को ला के छोड़ दूंगा, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे ये वाले जो आर्क हैं इसको काउंट कर लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम एज इट इज इसी एंगल पे ये आने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं विंडो R की का यूज करूंगा तो रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा CALC कैल्क, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें n इक्वल टू 5 यानी कि ये 5 आर्क बनाने हैं इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, 360 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 72 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सर्कल की रिपीट कॉपी बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस सर्कल के सेंटर हेड को ड्रैग करके मैं इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर में ले आऊँगा। अब न्यूमेरिकल कीपैड पर आप प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो सर्कल की इसी एंकर पॉइंट के साथ इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 72। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो पोजीशन है ठीक इसी तरीके से इसकी ये पोजीशन है, ठीक है। अभी हमने एंगल मेंशन कर दिया तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। 2 ये हो चुका है, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। अब इसके बाद इस वाली शेप को क्रिएट करने के लिए आप क्या टेक्निक फॉलो करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं जूम कर लेता हूँ। आप F5 प्रेस करेंगे, इस सर्कल के यहाँ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इस वाले और इस वाले सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ रहा है नीचे 0.288। यहाँ पे मैं क्लिक छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, आपको आइडिया लग गया। तो हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं सिंपली F7 प्रेस करूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ ऑल्ट एस की के साथ 0.288 टैब 0.288। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, मैं वापस अनजूम कर लेता हूँ। ये जो सर्कल मैंने लिए थे ये आपको समझाने के लिए लिए थे, हालांकि इनका कोई यूज़ नहीं था बट आपको इससे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो ये जो सर्कल मैंने लिए हैं ये आपको समझाने के लिए मैंने लिए थे, ठीक है ना। इस वाले सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आर्क में मैं कन्वर्ट कर दूँगा। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं F10 की का यूज़ करूँगा। इस वाली नोट से पकड़ के मैं इस वाले सर्कल की नोट पर ला के छोड़ दूँगा इस तरीके से, और ठीक इस वाले पार्ट को भी छोड़ दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले सर्कल का भी अभी यूज़ होगा, कैसे यूज़ करेंगे आप देखते जाइए। इसे भी मैं आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ और F10 की के साथ इस सर्कल का मैं हाफ आर्क बना लेता हूँ उस तरीके से, ठीक है।
इसको नीचे की तरफ रिवर्स कर देता हूँ और इस वाली नोट से पकड़ के इस सर्कल के नोट पे लाएंगे यहाँ पे। इस वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर में इस तरीके से क्लिक करूँगा, इस वाले एंकर पॉइंट को यहाँ ला के छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए थे आपको समझाने के लिए किए थे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ दोबारा से आपको समझाने के लिए। इस पे मैं क्लिक करूँगा, इसके सेंटर में क्लिक कर लो, इस वाली नोट से पकड़ के इस सर्कल की इस एज तक आपको ला के छोड़ देना है, ठीक है। वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। अब इस पूरे पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये जो एंकर पॉइंट है सर्कल के सेंटर में ले आएंगे। अब न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी एज इट इज। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे 72, जो हमने स्टार्टिंग में 360 में डिवाइड किया था 5 से, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है, 3 4 5। मैं वापस से ज़ूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारी ये पहली वाली शेप बन चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली शेप को बनाएंगे। इस पूरे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ उस तरीके से। अब इसी तरीके से एक और सर्कल हम लेंगे, F7 प्रेस करूँगा। इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ऑल्ट एस की के साथ यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1 टैब 1, एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं F7 प्रेस करूँगा, एक और सर्कल लूँगा, ऑल्ट एस की के साथ यहाँ पर टाइप कर दूँगा 0.3 टैब 0.3, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस सर्कल के सेंटर से इस तरीके से मैं ड्रैग करके इस बड़े वाले सर्कल के क्वाड्रेंट पे लाके छोड़ दूंगा, बिल्कुल ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब वापस इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करूंगा, इसका एंकर पॉइंट नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ बड़े वाले सर्कल की तरफ। अब हमें क्या करना है, वापस से अपना कैलकुलेटर ओपन करना है। तो आप देख रहे हैं इस वाली डायग्राम में 6 सर्कल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 में डिवाइड करेंगे 6 से। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 डिग्री, तो इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये एज इट इज़ है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कीपैड पे हम प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी एज इट इज़ डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन एक्टिव है, बस हमें यहाँ पे जो 60 आया था वो टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो 2 ये हो चुका है, 3 4 5 6, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, F5 की का यूज़ करूँगा। इस वाले इंटरसेक्शन से यहाँ तक नीचे वैल्यू देख रहे हैं 0.221, तो हमें एक और सर्कल लेना है इसी डायमेंशन पे। यहाँ पे मैं F7 प्रेस कर देता हूँ, सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0.221 टैब 0.221, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इस सर्कल पे हम क्लिक करेंगे, इसका हाफ कर देता हूँ, इसको मैं आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ। F10 की के साथ इस नोट से पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दूंगा और इस वाली नोट से पकड़ के इसके एज पे ला के यहाँ पे छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। इसको भी इस तरीके से आर्क में कन्वर्ट करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, इसको नीचे की तरफ रिवर्स कर देंगे और इस वाली नोट से पकड़ के इस वाली नोट पे लाके आप छोड़ देंगे। मैं वापस से ज़ूम करता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये भी सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लाके यहाँ से रोटेट करना है आपको, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से, ठीक है ना। इसको इस एज पे लाके छोड़ देना है, ये जो सर्कल की एज है, ठीक है। वापस से मैं ज़ूम करता हूँ, इस पूरे को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे क्लिक करूँगा, इसका एंकर पॉइंट इस सर्कल के बीच में ले आऊँगा। न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करेंगे आप, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 60, मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये 2 बार हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, 3 4 5 6। अभी आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में ये थोड़ा सा एंगल पे रोटेट है, ये बाहर का जो पोर्शन है, ठीक है, सर्कल की बात नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डायग्राम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस सर्कल को मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। एक बार डिलीट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल डीसेलेक्ट हो गया है, मैं वापस से अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करूंगा। यहाँ पे मुझे टाइप करना है -15, ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से शेप हो गई है। अगर मैं माइनस में नहीं करता, प्लस में करता, तो जैसे प्लस में मैं 15 टाइप करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस तरीके से रोटेट होता, बट हमने एज इट इज़ रोटेट किया। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। अब इस डायग्राम की फटाफट से मैं लेबलिंग कर देता हूँ।
तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लुक आएगा। आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें।